अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक एंड पीट पाट हो। आज की सूड में आप लोगों को बताने वाला हो कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट फेसबुक टीम ने डिसेबल कर दिया और आप लोगों के पास गवर्नमेंट आईडी कार्ड है तो फिर आप लोग अपना अकाउंट कैसे रिकवर करना है, तो आज की सूड में आप लोगों को यही बताने वाला हो। और इस सूड में आप लोगों को जो ट्रिक सिखाने वाला हो ये पहले भी मैंने आपको एक बार बता दिया, लेकिन पहले आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ में नहीं आ जाएगा तो मैंने सोचा कि चलो मैं पूरा डिटेल के साथ एक वीडियो बनाता हो। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर दें, नेक्स्ट स्टेप मिस नहीं करो। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हो, और ये रिक्वेस्ट बिल्कुल फ्री है, आपका कोई खर्चा कोई पैसा नहीं लगेगा और हमारा काफी हौसला अफजाई हो जाएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर टेक्निकल मोहलिस चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाला बेल आइकन कॉल पर भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलेगा। तो चलते बिना टाइम वेस्ट अपने टॉपिक की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपना मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन कर देना, और फिर इसमें आप लोग अपना अकाउंट भी लॉगिन करो। मैंने पहले से अकाउंट लॉगिन कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा यूर अकाउंट हैज बीन इंडेसेबल, और नीचे यहाँ पर डाउनलोड यूर इन्फॉर्मेशन और गो टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन आया हुआ है। तो इस तरह डिसेबल अकाउंट कैसे रिकवर हो जाएगा आगे इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ सिखाने वाला हो। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले मैं अपना मोबाइल में नोट पैड ओपन करता हो, और नोट पैड में मैंने एक लिंक लगा दिया और उसके नीचे एक अपील भी लगा दिया, ये आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से ये लिंक में कॉपी करता हो। हाँ जी, यहाँ से मैंने लिंक कॉपी कर दिया, और उसके बाद दोबारा वही क्रोम ब्राउजर ओपन करता हो, और फिर आप लोग यहाँ से एक न्यू टैब ओपन कर देना। तो चलिए यहाँ से मैं ओपन करता हो। न्यू टैब ओपन करने के बाद फिर सर्च बार में आप लोग वो लिंक पेस्ट कर देना। हाँ जी, यहाँ से मैंने लिंक पेस्ट कर दिया, और उसके बाद यहाँ से मैं सर्च करता हो। सर्च करने के बाद ये सेंटर पेस आते हैं, और ये लिंक असेसिंग एंड डाउनलोडिंग यूर फेसबुक इन्फॉर्मेशन के नाम से है। तो इसमें नीचे एक ऑप्शन आते हैं डेटा एक्सेस, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना, और उसके बाद नीचे का भी ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ से आप लोग लास्ट सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, आई डू नॉट हैव अ फेसबुक अकाउंट एंड आई वांट टू एक्सेस माय डेटा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो ये आप लोग फिल कर देना। तो इस फॉर्म में फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन आते हैं फुल नेम, तो यहाँ पर आप लोग अपना अकाउंट का फुल नेम एंटर कर देना। तो चलिए इस अकाउंट का जो नेम था वो मैं एंटर करता हो। हाँ जी, यहाँ पर मैंने अकाउंट का नेम भी एंटर कर दिया, और उसके बाद नीचे कवर ऑप्शन आते हैं सेलेक्ट कंट्री, और उसके सामने एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना, और फिर यहाँ से आप लोग अपना कंट्री सेलेक्ट कर देना। तो चलिए यहाँ से मैं कंट्री भी सेलेक्ट करता हो। जी हाँ, यहाँ से मैंने कंट्री भी सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद नीचे कवर ऑप्शन आते हैं ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आप लोग कोई भी एक ईमेल एड्रेस एंटर करो। तो चलिए जल्दी यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस भी एंटर करता हो। हाँ जी, यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस भी एंटर कर दिया, और उसके बाद नीचे आएगी पर आप लोग चेक लगा देना, और फिर यहाँ से आप लोग ये सेंड कर देना। तो चलिए यहाँ से ईमेल सेंड करता हो। सेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कोड आते हैं तो नीचे यहाँ पर आप लोग एंटर कर देना। तो चलो जल्दी मैं एंटर करता हो। हाँ जी, यहाँ पर मैंने कोड भी एंटर कर दिया, और उसके बाद नीचे सबमिट वाला बटन है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से जो रिक्वेस्ट है वो हेल्प सेंटर पर सेंड हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ से मैं मोबाइल को होम स्क्रीन पर आते हो, और फिर मैं अपना मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन ओपन करता हो। जीमेल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि जस्ट नाउ पर फेसबुक टीम की तरफ से एक ईमेल आते हैं, और इस ईमेल का जो टाइम था ये भी आप देख सकते हैं 7:41 है, और ऊपर मोबाइल का जो टाइम था ये भी आप देख सकते हैं, मतलब एक मिनट के अंदर यह ईमेल आते हैं। तो चलिए यहाँ से ईमेल ओपन करता हो। ओपन करने के बाद इस इंटरफेस आते हैं, तो आप लोग इस ईमेल की रिप्लाई पर आ जाना। रिप्लाई पर आने के बाद इस इंटरफेस आते हैं, तो चलो दोबारा मैं अपना मोबाइल में नोट पैड ओपन करता हो, और फिर यहाँ से ये अपील में कॉपी करता हो। ठीक है, हाँ जी, यहाँ से मैंने अपील कॉपी कर दिया, और उसके बाद दोबारा वही जीमेल वाला पेज ओपन करता हो, और फिर यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना। जी हाँ, यहाँ पर मैंने अपील भी पेस्ट कर दिया। अपील के आखिर में आप लोग अकाउंट के इन्फॉर्मेशन भी एंटर करो, जैसे कि अकाउंट का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और अकाउंट का लिंक। तो चलो जल्दी यहाँ पर मैं अकाउंट के इन्फॉर्मेशन एंटर करता हूँ, तब तक के लिए वीडियो रोक लेता हो। हाँ जी, यहाँ पर मैंने अकाउंट के इन्फॉर्मेशन भी एंटर कर दिया, और उसके बाद ऊपर अटैच आइकन आते थे, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना, और फिर आप लोग अपना गैलरी से अपना अकाउंट का जो गवर्नमेंट आईडी कार्ड था वो अटैच करो। तो चलिए इस अकाउंट का जो आईडी कार्ड था वो मैं अटैच करता हो। जी हाँ, नीचे यहाँ पर मैंने आईडी कार्ड भी अटैच कर दिया, और उसके बाद फिर यहाँ से आप लोग ये सेंड कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से जो पेज था वो डायरेक्टली होम स्क्रीन पर आता है, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सेंड हो चुका है। बस इतना काम करने के बाद अभी कान खोल कर मेरे बात गौर से सुन लो कि आप लोग ये मेथड, ये तरीका आप लोग हर 24 आवर के बाद ट्राई कर देना, और ये मेथड कम से कम 10 दिन से लेकर 15 दिन तक मुसलसल आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। ठीक है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप लोगों का जो अकाउंट था वो जरूर ओपन हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो कि आप लोगों का जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर नेम और डेट ऑफ बर्थ वो अकाउंट के साथ मैचिंग करना लाजिमी है। ठीक है, तो फिर आप लोगों का जो अकाउंट था वो जरूर ओपन हो जाएगा। तो ये होगा आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।